माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार सजाया है। चलो तो ये हम जा रहे हैं ट्रेन में बैठने, अभी पूरे पूरे सफ़र में आप सबको लेके चलते हैं। हम यहाँ पे ऐसे ऐसे ढूंढते हुए अपना डब्बा ऐसे जी रहा, हमें मिल नहीं रहा कहीं पे भी, और ये सफ़र कर रहे हैं ऐसे सारे सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे, और हमको डब्बा नहीं मिलने का। कहाँ पर डब्बा हमारा, हमको हमारा डब्बा नहीं मिल रहा, सारे परेशान हो रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हो? कहाँ पे जा रहे हो? कहाँ पे जा रहे हो? इसमें दिख रहा है। हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन में। ये हमारे व्यक्ति हैं, ये हमारे चाचा हैं। ब्लॉग में लेना, मेरे को ब्लॉग में ले लिया, बस बोलना कुछ नहीं है। ये कहाँ है? सुबह 9 बजे पहुँचेंगे। 9 बजे पहुँचने के बाद अभी सो रहे हैं, सुबह 9 बजे पहुँचेंगे माता रानी के दर्शन करने, और फिर वहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा। तब तक के लिए गुड नाइट। इन बच्चों को चैन नहीं, शाम तक सो जाएंगे, गेम खेल रहे हैं। तो गाइस अभी ट्रेन में थे तो ना भैया अभी पजामा बदल गए, भैया को लग रहा है कि मैं ना फ़ोन चला रहा हूँ, तो वाला दिखा दो क्या फ़ोन चला रहा हूँ, भैया बदल लिया पजामा। अभी हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, और ये है, आप नहीं आ रहे हो? माता के लोग जा रहे हैं, लोग बना रहे हैं, मैं नहीं आ रही हूँ। आ रही आ गई। अभी मैं सोऊंगा थोड़ी देर के लिए, और जैसे भी जो भी जैसा होगा, जैसे चढ़ाई करेंगे जैसे भी होगा, आपको सबको आप दिखाऊंगा, मैं पहाड़ कुत्ते बिल्ली सब दिखाऊंगा वहाँ की। Yeah।
नानी तो मेरे साथ मिल गई है, नानी कहीं छोड़ दें मेरे साथ मिल गई है। कटरा और अभी हम जा रहे हैं होटल, होटल की बात करेंगे थोड़ा मिलते चढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू। हम पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी। जय माता दी। ट्रेन से उतरे हैं, ट्रेन से उतरने के बाद यहाँ से आपको लाइन लगा के आना पड़ेगा, और लाइन से लगने के बाद आपको टिकट लेनी पड़ेगी या आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। आई कार्ड बनता है, आई कार्ड बनने के बाद आपको वैष्णो देवी में एंट्री मिलती है। ठीक है, पूरे के पूरे रात के 8 बजे हम बैठे थे और अभी रात के 9 बजे, सुबह के 9 बजे हम पहुँच चुके हैं। ये वैष्णो देवी का स्टेशन है और अभी यहाँ से अभी हमारा आई कार्ड बना है और आई कार्ड बनने के बाद दर्शन करने को हम जाएंगे। आज ही आज चढ़ेंगे ऊपर, जैसे जैसे चढ़ेंगे सब कुछ मैं आपको दिखाता रहूँगा। तब तक बने रहें चैनल पे और लास्ट वीडियो का एंड तो ज़रूर देखें। यहाँ पे जब भी आप आएँ तो अपने साथ एक सिम का मतलब यहाँ पे आपको सिम लेनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल चल रहा है जम्मू में घुसते ही। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ सबसे पहले सिम ले लें क्योंकि 5-6 दिन का टूर होता है, 5-6 दिन के टूर में बिना फ़ोन का काम नहीं चलता, बिना नेट का काम नहीं चलता। और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है क्योंकि मुझे शेयर्स के रेट नहीं दिख रहे हैं, और जब तक शेयर्स के रेट में सपोर्ट के ना देख लूँ 9-15 पे तब तक पूरा दिन अच्छा नहीं जाता है। मैंने पता करा है, हमने भी होटल बुक करा है, होटल से बाहर निकल के मैंने पता करा है किसी से कि सिम वगैरह कहाँ मिलेगी, तो अभी मैं सिम लेने जा रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने। हाँ गाइस, बस चार रखने वाले। हेलो, वीडियो में इसके आना है, वीडियो में हिसाब नहीं होना चाहिए। ये है वैष्णो देवी का मेला, यहाँ पे बाजार वगैरह सब लगे हुए हैं। ऊपर जाना है, ऊपर। जय माता की। मम्मी इधर से, जेंट्स उधर से, जेंट्स उधर से, जेंट्स। ये एंट्री हो रही है वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए। चल आजा, छोटी बेटा साथ में गाना बेटे अभी हम जा रहे हैं गुलशन कुमार का भंडारा खाने क्योंकि गुलशन कुमार टी सीरीज का जो डायरेक्टर है उनके द्वारा लगाया जाता है। यहाँ पे घोड़े की सवारी हो रही है, खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं चढ़ाई करने। बहुत ऊपर जाना। कैसा लग रहा है आपको आके, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। यहाँ पे सब डंडी लेके चल रहे हैं तो मैंने भी डंडी ले ली है।
समझिए कितने ऊपर जाना पड़ेगा। दरबार जाते हैं, बिहार से लोग जाते हैं, बंगाल से जाते हैं, गुजरात से जाते हैं, सभी वेशभूषा के लोग जाते हैं, अलग अलग भाषा के लोग जाते हैं। मैं तो अभी से थक गया हूँ। कोई बंगाली में बात कर रहा है, कोई मराठी में बात कर रहा है, कोई गुजराती में, कोई बिहारी में, कोई भोजपुरी में, कोई हिंदी में, कोई मगही में, लेकिन जब माँ के पद की चढ़ाई शुरू होती है तो एक आवाज एक समान रहती है। अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं होता, कोई बंगाली ट्रांसलेशन नहीं होता, वो आवाज क्या है आगे बताने के लिए। मैं थोड़ा ऊंचा सुन रहा हूँ इसलिए जोर से बोलूं। यहाँ पे बेचारों घोड़ों को और पेला जाता है पैसा कमाने के चक्कर में, गलत बात है। इतने सारे घोड़े हैं, घोड़े से कोई नहीं पूछता कि उनके पैरों में दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, बस पैसे बनाने के चक्कर में घोड़ों को ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे। अभी हम जा रहे हैं बाथिंग घाट, जहाँ पे लोग शायद नहाते हैं पत्थरों के बीच। बढ़िया ठंडा पानी होगा वो। इधर आ, इधर वो ले ले पानी। मार जा जा भाग जा। हाँ भाई चल, थोड़ी देर घाट पर रुके हैं और यहाँ से फिर अपनी चढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। ये देखो हमारा ये रूसा हुआ बंदा, अब तो कैमरे में तो हंस ले, कैमरे में तो हंस ले, कैमरे में तो हंस ले। क्या नहीं जाएगा ऊपर, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, थप्पड़ मारू। क्या हो गया, क्या हो गया, तू तू चला जा, तू खुद ही तो कह रहा था मेरे को भी लेना वीडियो में, तू खुद ही तो कहा था। जमादार जमादार अभी कम से कम 8 किलोमीटर रह गए चलना बाकी है, हम जा रहे हैं। रुक रुक के जा रहा हूँ मैं तो बैठ बैठ के, क्योंकि चढ़ाई एकदम ऐसे नहीं है, चढ़ाई ऐसे ऐसे बढ़ती ही जा रही है, तो देखता हूँ कहाँ तक पहुँचता हूँ। जहाँ रुकूँगा वहीं मिलता हूँ। जयकार
वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित किया गया है कि जय माता दी और ओम का उच्चारण कुछ मंत्र है जिसके उच्चारण से हमारे शरीर में एक नए ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, संचार होता है। ये नाम नहीं है ऐसा है, इसलिए हम बार बार कहते हैं बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी, जय माता दी कहने जाओ आने जाने वालों को, जय माता दी कहने जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के चालों को। क्या कह रही थी? वैष्णो देवी पैदल चल के जाऊंगी, अब पता लग गया? लग गया पता? अभी तो बाबू जितना सोच रहे हो ना उससे भी बहुत ऊपर है। अभी लग गया पता? अभी वीडियो बनाने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में हंस रही है अभी। इससे पहले पापा घोड़े पे बिठा दो मेरे को, बोला झूठे नहीं बोलता कि मैं मेरे को और छोटे दोनों को घोड़े पे बिठा दो, नहीं बोला मैंने, पापा ने पूछा था। जय माता की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माने दरबार सजाया है, चलो बस पहुंचने वाले हैं, अधिकवारी अधिकवारी पहुंचने वाले हैं, आधे लोग आगे पहुंच चुके हैं, आधे लोग पीछे आ रहे हैं, बीच में बस मैं इंतजार कर रहा हूं सबका। बोल 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 तनिष, चल बगली बोल यार, अभी भीड़ आ रही थी, चल तनिष बोल बोल, तनिष बोल, जवान जवान बोलो नहीं बोले। इतना ऊपर आने के बाद अभी इतना ऊपर हो रहा है, पहुंचने वाले हैं 15.5 किलोमीटर है आगे से आना है, 15.5 किलोमीटर है, डंडा संभाल के नीचे गिर जाए। इतना ऊपर आने के बाद भी आप इतना ऊपर बचा हुआ है, कम से कम 7-8 किलोमीटर और है अभी। ये हम जा रहे हैं भवन की ओर, भवन का रास्ता।
चलो इधर चलो चलो यार दिन के 2 बजे से चल रहे हैं, रात का टाइम हो रहा 8 बजे। अरे बोलना भी तो पड़ेगा ना, 2 बजे चल रहे हैं, कोई आएगा तो पता कैसे चलेगा उसका। दिन के 2 बजे से चल रहे हैं, रात के 8 बजे अब तक नहीं पहुँचे हैं। कम से कम भी 10-12 किलोमीटर तो नहीं है ज़्यादा, यही जैसे पहुँच जाऊँगा तो आप सबको बताता हूँ। क्या आप 2 बजे से चल रहे हो? 2 बजे से क्या? 2 बजे से पहले से चल रहे हैं। 2 बजे 2 बजे से यहाँ से चलना शुरू हुए थे, नीचे से कटरा से चलना शुरू हुए थे और अब तक नहीं आया है। हालत बहुत बुरी हो चुकी है। कैसी हो गई हालत आपकी? बहुत बुरी हो चुकी है, चला नहीं। बहुत बुरी हो गई हालत। टाइम कितना हो गया? 9:15। अभी तक नहीं आया है, मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरे तो पैरों को लेने देने पड़ गई है। खैर पहुँच के थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर देखते हैं। अभी अभी चढ़ाई कर रहे थे तो देखा चली गई है, बहुत लोग हैं यहाँ पे, डर भी लग रहा है थोड़ा, लेकिन देखो कितनी ऊपर आ गए हम, कितनी नीचे लाइटें दिख रही हैं यहाँ पे, लेकिन डर लग रहा है बहुत। माता रानी बस आने वाली है, लेकिन लाइट चली गई है बिल्कुल पास आके, लगता है ऐसे दर्शन नहीं देंगे, थोड़ा कष्ट देंगे तो भी दर्शन देंगे माता रानी। आ गई है लाइट, और लाइट ऐसे नहीं है, ये लाइट जयकार लगाने से लाइट आई है। जय माता दी जाके लाइट आई है। हम पहुंच चुके हैं ऊपर मंदिर, बस हो रहा थोड़े सा ऊपर हो रहा, बस पहुंचने वाले हैं। बहुत बड़ी चढ़ाई है, ढलान में है, बहुत ज़्यादा ढलान में है, थक गए हम तो यहाँ पे ऊपर चढ़ चढ़ गए। अब करेंगे जैसे कैसे करके पहुँचेंगे रात भर में, देखते हैं कैसे पहुँचेंगे। अच्छा वैष्णो दरबार जाते हैं, बिहार से लोग जाते हैं, बंगाल से जाते हैं, गुजरात से जाते हैं, सभी वेशभूषा के लोग जाते हैं, अलग अलग भाषा के लोग जाते हैं। कोई बंगाली में बात कर रहा है, कोई मराठी में बात कर रहा है, कोई गुजराती में, कोई बिहारी में, कोई भोजपुरी में, कोई हिंदी में, कोई मगही में, लेकिन जब माँ के पद की चढ़ाई शुरू होती है तो एक आवाज एक समान रहती है। उससे कोई अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं होता, कोई बंगाली ट्रांसलेशन नहीं होता, वो आवाज क्या है? मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ इसलिए जोर से बोलो। नहीं बोले तो सब जोर से बोले, कहना बोलो भैया भी बोलो, बोलो जी बोलो, और पीछे वालों चाची जी बोलो, आंटी जी बोलो, और बचवा बोले बोलो। ये जय माता दी का जयकार वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित किया गया है कि जय माता दी और ओम का उच्चारण कुछ मंत्र है जिसके उच्चारण से हमारे शरीर में एक नए ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, संचार होता है। ये नाम में ही ऐसा है, इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं बोलो जय माता दी, कहने जाओ आने जाने वालों को, जय माता दी कहने जाओ आने जाने वालों को।
दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा